अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, और आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि 7.2 के शुरू के क्वेश्चन करवा दें, तो 7.3 कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं 7.2 के भी शुरू के क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर पढ़ लिए होंगे। आज हम एक नया फार्मूला, एक नई चीज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वहां पर जो हमारे पास पावर था वो नेचुरल नंबर था, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो फ्रैक्शन को भी हम देखेंगे और नेगेटिव पावर को भी हम देखेंगे कि इस तरह के सवाल को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। और आप जानते हो कि क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, ठीक है। देन अच्छा, हमारे पास यहां पर जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारे पास 1+x या फिर 1-x की फॉर्म में होता है। तो हमें यहां पर इस टाइप के फॉर्मूले में, यानी कि जब पावर हमारा फ्रैक्शन में हो या पावर हमारा नेगेटिव में हो, तो फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना होता है, 1 बनाना होता है, ठीक। इस बात को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या है, 8 है। तो अगर मैं यहां पर हम 8 को कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या बनेगा, 8 की पावर, सॉरी ये 8 का मतलब 2 की पावर 3 है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको यू लिखूं, जब मैं इसको कॉमन निकालूंगा यहां से, तो हमारे पास 8 की पावर 1/3 और हमारे पास क्या बन जाएगा, 1-2x की होल पावर 1/3। ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी चीज कॉमन निकालते हो तो पावर आप उस पर भी अप्लाई करते हो, ठीक है। तो 8 का मतलब हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर 3, और फिर हमारे पास यहां पर क्या है, 1/3, ठीक है। 8 नहीं है यहां पर, क्या है, 1/3, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या है, 1-2x की पावर 1/3। अब ये 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास यहां क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2, और इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे फॉर्मूले के बजाय, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1+x की होल पावर n इक्वल टू 1+nx प्लस 1/2 फैक्टोरियल n मल्टीप्लाय बाय n-1x² प्लस 1/3 फैक्टोरियल n मल्टीप्लाय बाय n-1 n-2 x³, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, माइनस के लिए हम अलग से भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर यहां पर माइनस साइन हो तो पहला टर्म पॉजिटिव होगा, दूसरा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, और फिर अगला टर्म आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के लिए भी हम अलग से फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि आप ज्यादा फॉर्मूला याद करो तो बेहतर ये है कि आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, हम उसी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी कि 1+x की होल पावर n इक्वल टू ये जो फॉर्मूला आपके पास। अब यहां पर जो आपका 1, तो 1 के बराबर रहेगा, तो b जो है आपका वो क्या होगा, -2x के, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि हम फॉर्मूला प्लस के ही यूज कर रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। अगर आप फॉर्मूला माइनस वाला यूज करोगे तो फिर आप नेगेटिव साइन को छोड़कर b लोगे। और यहां पर जो n है आपका वो किसके बराबर है, 1/3 के। तो इन सब को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर 2 तो आपका वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहा, n किसके बराबर है आपका, 1/3 के। और x मतलब यहां पर क्या, आपका बेसिकली b है, ठीक है। तो जो b है आपका वो किसके बराबर है, -2x के। उसके बाद 1/2 फैक्टोरियल n किसके बराबर है, 1/3 के। फिर n-1 यानी कि 1/3-1, और फिर x का मतलब क्या है, -2x। तो ये क्या हो जाएगा, -2x² ठीक है। फिर फॉर्मूले में 1/3 फैक्टोरियल है तो 1/3 फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा। फिर n है, n किसके बराबर है, 1/3 के। n-1 1/3-1, n-2 1/3-2, और फिर x³ है। x³ का मतलब क्या है, b, यानी कि -2x³, ठीक है। आपको फोर्थ टर्म तक एक्सपेंड करना है, यानी कि फिर इसको लिखने के बाद आपको नहीं है। ये हो गया आपका एक टर्म, ये दो टर्म, और ये आपका तीन टर्म, और ये आपका चार टर्म, ठीक है। आपको कह रहा है सवाल में
कि फोर्थ टर्म तक क्या करो, एक्सपेंड करो। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वन तो हमारा वैसे ही रहेगा, यहां पर देखें माइनस का टू एक्स, जब वन से मल्टीप्लाई होगा पहले तो प्लस माइनस, माइनस टू एक्स जब वन से होगा तो टू एक्स अपॉन थ्री। यहां देखते हैं वन अपॉन टू फैक्टोरियल, मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो कि टू फैक्टोरियल बराबर होता है आपका टू के, वन अपॉन थ्री वैसे ही रहेगा, वन अपॉन थ्री माइनस वन, जब आप इसका एलसीएम लोगे वन अपॉन थ्री माइनस वन, ठीक है। आप जानते हो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम वन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो थ्री वन दा थ्री और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, वन वन दा वन माइनस थ्री वन दा थ्री, तो वन माइनस थ्री कितना होता है आपका माइनस टू अपॉन थ्री, सही है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, माइनस का टू अपॉन थ्री, और ये माइनस टू एक्स का स्क्वायर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से निकालो तो बनता है सिक्स, वन अपॉन थ्री वैसे ही रहेगा, वन अपॉन थ्री माइनस वन तो थ्री वन द थ्री, माइनस का थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस का टू अपॉन थ्री, मैंने आपको यहाँ बी बताया। और इसी तरह वन अपॉन थ्री माइनस टू, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स यानी कि माइनस का सिक्स, माइनस सिक्स प्लस वन कितना होता है, माइनस का फाइव अपॉन थ्री। यहां पर माइनस टू एक्स की पावर थ्री है तो माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा, टू की पावर थ्री का मतलब होता है एट, और आपके पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, सही है। मजीद यहां पर आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास वन वैसे ही रहा, टू एक्स अपॉन थ्री वैसे ही रहा। यहां पर देखें ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा माइनस, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या होगा, वन वन दा वन, वन मल्टीप्लाई टू, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा दो या फिर आप टू से टू को कैंसिल करो, थ्री मल्टीप्लाई थ्री आपके पास कितना हो जाएगा नाइन, और यहां पर आपको क्या बच जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। यहां पर देखें बहुत ध्यान से, टू वन दा टू और टू थ्री दा कितना होता है आपके पास सिक्स, ठीक है। इसी तरह ये माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फाइव मल्टीप्लाई एट कितना होता है फोर्टी, और नीचे थ्री टाइम्स फोर है तो थ्री टाइम्स फोर का मतलब होता है एटी वन, और एक्स क्यूब आपका वैसे ही रहेगा, तो ये आपका बनता है आंसर। इसका पार्ट टू हमारे पास है, थोड़ा सा सिस्टम इश्यू कर रहा है। पार्ट टू हमारे पास क्या है, थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स। अब यहां देखे बहुत ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होना चाहिए वन, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है, तो हम यहां से क्या करेंगे थ्री कॉमन निकाल लेंगे। तो जब आप थ्री कॉमन निकालोगे तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस एक्स अपॉन थ्री। अब बहुत सारे बच्चों को कॉमन में एक मिस्टेक ये होता है कि वो समझते हैं कि आगे भी नंबर वही होना चाहिए या उसका मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा हरगिज नहीं होता, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड, देखिये बहुत ध्यान से, सपोज करें कि हमारे पास 3 प्लस एक्स है, इस 3 को हमें 1 बनाना है, ठीक है। अच्छा इसके बैकग्राउंड में भी और काम होता है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूं। तो 3 हमें कॉमन निकालना है, तो जिस चीज को हम कॉमन निकालते हैं उसको लिखते हैं, यानी कि 3 हम कॉमन निकाल लें, उसके बाद उसी चीज से जितने भी टर्म है उसको डिवाइड करवाते हैं, यानी कि 3 अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 3, ठीक है। तो यहां 3 से 3 हमारा क्या होगा कैंसिल, तो इसलिए हमारे पास क्या बच जाएगा 1 और प्लस का एक्स अपॉन थ्री। इस तरह ये थ्री से थ्री हमारा क्या हो गया कैंसिल। अब इस वन प्लस एक्स अपॉन थ्री को हम ऊपर ले जाएंगे, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आप, अच्छा अगले से ऊपर ले आते हैं, तो अब देखिए जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन थ्री की होल पावर माइनस वन, चूंकि होल पावर यहां पर वन था। अब जानते हो जब किसी भी नंबर को आप न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में लेके जाते हो तो आप उसके पावर का साइन चेंज करते हो, यहां पर पावर वन है, जब भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का वन। अगेन अब हम यहां पर क्या करेंगे फार्मूला ओपन कर देंगे, तो हमारे पास ये रहा फार्मूला। सबसे पहले वन, तो वन को आप वैसे ही लिखोगे एन, एन किसके बराबर है माइनस वन के, और एक्स, एक्स मतलब आपका क्या है बी, और बी यहां पर किसके बराबर है हमारा एक्स अपॉन थ्री के, तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे एक्स अपॉन थ्री, ठीक है। प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एन, एन किसके बराबर है हमारा माइनस वन के, एन माइनस वन, एन बराबर है माइनस वन माइनस वन एक्स स्क्वायर, और एक्स हमारा किसके बराबर है एक्स अपॉन थ्री की होल पावर टू। सिमिलरली वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल
एन बराबर है माइनस वन के, एन माइनस वन यानी कि माइनस वन माइनस वन, एन माइनस टू माइनस वन और माइनस टू, और एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब एक्स अपॉन थ्री की पावर थ्री। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या होगा, वन वैसी रहा प्लस माइनस माइनस, एक्स अपॉन थ्री जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स अपॉन थ्री आएगा, वन अपॉन टू फैक्टोरियल का मतलब होता है टू, माइनस वन वैसी रहा, माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू, एक्स अपॉन थ्री का स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन। ठीक है, सिमिलरली वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है वन अपॉन सिक्स, माइनस वन आपका वैसी रहा, ये माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस का टू, ये माइनस वन माइनस टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का थ्री, और एक्स अपॉन थ्री का मतलब होता है एक्स क्यूब, और थ्री की पावर थ्री का मतलब होता है 27। ठीक है, तो आपके पास वन वैसी रहा, माइनस का एक्स अपॉन थ्री वैसी रहा, ये टू से टू आपका क्या होगा कैंसिल, माइनस माइनस होगा प्लस, तो आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन, यहां देखे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक्स क्यूब आपका वैसी रहा, और यहां पर हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले थ्री वन द थ्री और थ्री टू द सिक्स, इस तरह ये टू से टू आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 27। ये आपका पार्ट टू का आंसर है। पार्ट थ्री की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो पार्ट थ्री है ठीक है, सॉरी ये आपका कौन सा है पार्ट थ्री है। ठीक है, वन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अच्छी बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और मेरे लिए भी क्या हो एक मोटिवेशन है। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वन प्लस टू एक्स की होल पावर वन अपॉइंट टू। ठीक है, आप जानते हो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन अपॉइंट टू, और डिवाइड में हमारे पास क्या है वन माइनस एक्स, इन वन माइनस एक्स को भी हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा वन प्लस टू एक्स की पावर वन अपॉइंट टू, तो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, जब ये वन माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स की होल पावर माइनस वन। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको ये बता चुका हूं पहले सवाल में, तो यहां पर आप फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक्सपेंड कर रहा हूं, पहले इस वाले को एक्सपेंड करूंगा और फिर इसको एक्सपेंड करूंगा। तो सबसे पहले वन प्लस टू एक्स की होल पावर वन अपॉन टू। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हो फॉर्मूले में क्या होता है ए यानी कि वन, उसके बाद एन एक्स, एन बराबर है वन अपॉन टू के, और एक्स आपका किसके बराबर है टू एक्स के। फिर फॉर्मूले में क्या होता है वन अपॉन टू फैक्टोरियल, ऊपर से आप फॉर्मूला देख सकते हो, वन अपॉन टू फैक्टोरियल एन, एन किसके बराबर है वन अपॉन टू के, और फिर एन माइनस वन मतलब वन अपॉन टू माइनस वन, और फिर एक्स स्क्वायर था तो मतलब क्या हो जाएगा ये टू एक्स स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में हमारे पास क्या था वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल और एन, एन माइनस वन यानी कि वन अपॉन टू माइनस वन, इसी तरह एन माइनस टू वन अपॉन टू माइनस टू, और यहां पर हमारे पास क्या है टू एक्स यानी कि एक्स क्यूब था, तो एक्स हमारा किसके बराबर है टू एक्स के यहां पर बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स की पावर थ्री। ठीक है, ये हमने क्या किया चार टर्म एक्सपेंड कर दिया, इसको भी यहां पर हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने क्या किया यहां पर अच्छा इसको मैंने यहां पर क्या किया इस टर्म में ब्रेक किया। ठीक है, हम यहां पर भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वन वैसी रहा, ये टू से टू आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिंबल क्या बच जाएगा एक्स, वन अपॉन टू फैक्टोरियल मतलब वन अपॉन टू, ये वन अपॉन टू आपका वैसे ही रहेगा, वन अपॉन टू माइनस वन का मतलब होता है टू वन द टू यानी कि ये माइनस का टू, माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस का वन अपॉन टू। ठीक है, और टू एक्स स्क्वायर का मतलब होगा फोर एक्स स्क्वायर, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल मतलब वन अपॉन सिक्स, ये वन अपॉन टू आपका वैसे ही रहा, जब आप इसका एलसीएम लोगे वन अपॉन टू माइनस वन का तो ये होगा माइनस का वन अपॉन टू, और जब इसका एलसीएम लोगे टू मल्टीप्लाई टू फोर यानी कि माइनस फोर, माइनस फोर प्लस वन कितना होगा माइनस का थ्री अपॉन टू,
यानी कि ये चीज आपका इसके बराबर हो गया, ठीक है। और 2x का क्यूब का मतलब है 8x³। अब मैं यहां पर एक्सपेंड कर रहा हूं, सिंपल, सबसे पहले हमारे पास 1 रहेगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वन माइनस एक्स की होल पावर एन इक्वल टू वन माइनस एन एक्स प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, फिर हमारे पास क्या है एन एन माइनस वन एन माइनस टू और हमारे पास क्या होगा एक्स क्यूब, ये हो गए चार टर्म, ठीक है। ऊपर मैंने आपको प्लस के लिहाज से बना के दिखा दिया था और यहां पर मैं आपको क्या कर रहा हूं माइनस के लिहाज से बना के दिखा रहा हूं। तो अगर हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम बी क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स, और एन हमारे यहां पर किसके बराबर है माइनस वन के, ठीक है। और अगर आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो बी आपको क्या रहना है माइनस का एक्स। तो देखिये बहुत ध्यान से, वन आपका वैसे ही रहा, फिर यहां पर क्या हमारे पास माइनस है, तो मैंने क्या लिखा माइनस एन किसके बराबर है माइनस वन के, तो एन एक्स होता है जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है, तो एन की जगह हमने क्या रखा माइनस वन, और एक्स आपका किसके बराबर है एक्स के, उसके बाद वन अपॉन टू फैक्टोरियल एन एन बराबर है माइनस वन के, फिर एन माइनस वन यानी कि माइनस वन माइनस वन एक्स स्क्वायर, सिमिलरली माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एन का मतलब माइनस वन, एन माइनस वन मतलब माइनस वन माइनस वन, एन माइनस टू माइनस वन माइनस टू, और x आपका किसके बराबर है x क्यूब, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास देखिए यहां बहुत ध्यान से 1 वैसी रहा, x आपका वैसी रहा, यहां देखिए बहुत ध्यान से ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 है ना, ठीक है। तो अच्छा आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, मैंने यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखा, मैं इस बार इसको एक बार मजीद वैसे ही लिख दिया है। यहां पर पहले मैंने क्या किया सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा इश्यू है लेकिन आप इसको देख लिया, कोई मसला नहीं, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। वन तो आपका वैसे ही रहा, ये माइनस माइनस वन एक्स वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन और माइनस वन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल माइनस वन माइनस टू, माइनस वन कितना होता है माइनस टू, और माइनस वन माइनस टू हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कैंसिल वाला करूंगा, तो देखो बहुत ध्यान से वन प्लस एक्स वैसी रहा, ये टू मल्टीप्लाई टू फोर, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का वन, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस वन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहां पर देखे बहुत ध्यान से, तो थ्री वन द थ्री थ्री टू द सिक्स, तो और यहां पर एट है, तो तीन टू इस एट से क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा एक्स क्यू अपॉन टू। सुनिए यहां देखे वन आपका वैसे ही रहा, ये माइनस क्या होगा प्लस, और एक्स वन द एक्स, यहां टू फैक्टोरियल मतलब होता है टू, तो टू से टू आपका क्या होगा कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। यहां देखिए थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है सिक्स, ठीक है, और ये थ्री टू द सिक्स, तो ये थ्री टू द सिक्स से ये सिक्स आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, और आपके पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इस दोनों ब्रैकेट को हम क्या करवाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो किस तरह मल्टीप्लाई होगा उसको देखे बहुत ध्यान से, सबसे पहले ये वन इन चारों से मल्टीप्लाई होगा, तो वन वन द वन एक्स वन द एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन क्या होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। सिमिलरली अब इस एक्स की बारी, ये एक्स इन चारों से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स जब वन से होगा तो एक्स ही रहेगा, एक्स जब एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स जब एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर फोर। सिमिलरली माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, सिमिलरली जब ये एक्स से होगा तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन टू, जब ये एक्स स्क्वायर से होगा तो टू प्लस टू कितना होता है फोर, यानी कि माइनस एक्स की पावर फोर डिवाइड बाई टू, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू जब क्यूब से होगा तो थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव, यानी कि माइनस एक्स की पावर फाइव अपॉन टू। आखिर में हमारे पास क्या बचता है एक्स क्यूब अपॉन टू,
तो एक्स क्यू अपॉन टू जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यू अपॉन टू स्मेली मैंने क्या किया, बाकी सबसे उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप देखें आपके पास कैंसिल क्या क्या हो रहा है, उसको आप कैंसिल करें और जो बच जा रहा है उसको यहां पर आप क्या करें लिख दे, ठीक है। वन तो आपका वैसे ही रहा, ये एक्स और ये एक्स, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टू एक्स। सिमिलरली एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो आपके पास ये कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी हमारे पास क्या बचा है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, आगे कहीं दिख रहा है नहीं, इसको यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यानी कि ये वाला टर्म भी आपका हो गया, ठीक है। माइनस का एक्स क्यूब अपॉन टू और ये प्लस का एक्स क्यूब अपॉन टू, ये आपस में क्या होगा कैंसिल, बाकी हमारे पास एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कितना हो जाएगा टू एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर, ये माइनस का एक्स की पावर फोर प्लस का एक्स की पावर फोर कैंसिल होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स की पावर फोर। यहां देखें एक्स की पावर फाइव से एक्स की पावर फाइव भी कैंसिल, आखिर में क्या बच जाएगा एक्स की पावर सिक्स अपॉन टू, तो वन प्लस टू एक्स। यहां देखें इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू है, इसको मैं यहां पर आता हूं टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसका आप एलसीएम लोगे तो उसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है वन है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा टू वन द टू, टू टू द फोर एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू को हम लिख सकते हैं थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स क्यूब वैसे ही रहेगा, एक्स की पावर फोर वैसे ही रहेगा, एक्स की पावर सिक्स अपॉन टू भी आपके पास वैसे ही रहेगा। लास्ट पार्ट आज का हमारे पास वन प्लस थ्री एक्स की होल पावर माइनस वन अपॉन थ्री, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो आपका वन तो वैसे ही रहेगा एन एक्स होता है तो एन बराबर है माइनस वन अपॉन थ्री के और एक्स बेसिकली आपका क्या है बी है, एक इसके बराबर है थ्री एक्स के। सिमिलरली हमारे पास यहां पर क्या है प्लस बाय मिस्टेक, यहां पर हमारे पास क्या है प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एन एन माइनस वन, यानी के यहां पर आप माइनस लगाए, ठीक है सॉरी, क्योंकि एन हमारा क्या है माइनस का वन अपॉन थ्री है, ठीक है। माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन और एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब बी, बी किसके बराबर है हमारा थ्री एक्स का स्क्वायर, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एन, एन किसके बराबर है माइनस वन अपॉन थ्री, एन माइनस वन यानी कि माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, एन माइनस टू यानी कि माइनस वन अपॉन थ्री माइनस टू और एक्स क्यूब मतलब होता है बी यानी कि थ्री एक्स की पावर थ्री। इसको सिम्प्लीफाई कर ले तो वन आपका वैसे ही रहा, यहां थ्री से थ्री आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का एक्स सिंबल वैसे बच जाएगा, वन अपॉन टू फैक्टोरियल मतलब वन अपॉन टू, एन किसके बराबर माइनस वन अपॉन थ्री है एलसीएम ले थ्री वन द थ्री यानी कि माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस वन कितना होगा माइनस का फोर अपॉन थ्री, यहाँ थ्री का मतलब होता है नाइन यानी कि नाइन एक्स स्क्वायर, तो नाइन से ये आपका थ्री कैंसिल हो जाएगा टू वन द टू और टू टू द क्या हो जाएगा फोर, ठीक है। सिमिलरली वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल मतलब होता है वन अपॉन सिक्स, माइनस वन अपॉन थ्री वैसे ही रहेगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये होगा माइनस का फोर अपॉन थ्री, जब यहां एलसीएम लोगे थ्री टू द सिक्स यानी कि माइनस सिक्स, माइनस सिक्स माइनस वन कितना होगा माइनस सेवन अपॉन थ्री, थ्री की पावर थ्री का मतलब होता है ट्वेंटी सेवन, तो ये थ्री थ्री से ये ट्वेंटी सेवन आपका कैंसिल हो जाएगा, टू टू द फोर और टू थ्री द सिक्स, ठीक है। बाकी जो बचा उसको आप क्या करोगे सिम्प्लीफाई, यानी वन वैसे रहा माइनस एक्स वैसे रहा, यहां पर टू बचा था टू एक्स स्क्वायर रह जाएगा आपके पास, ये माइनस की माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सेवन और टू बच रहा है तो सेवन टू द फोर्टीन, नीचे एक बार थ्री बच रहा है तो ये हमारे पास क्या हो गया एक्स क्यूब। थोड़ा बहुत एरर की वजह से इश्यू आया है, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा मिस्टेक ना हो, बाकी आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई इश्यू है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।